सीएससी में ऐसे अनगिनत सर्विस है जिसका यूज करके आप काफी पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी सर्विस है जिसको आपको लगेगा कि हाँ इसमें पैसा ज्यादा कमाई होगा, लेकिन वहां पर कोई भी कमाई नहीं है। सो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सीएससी के टॉप 3 अर्निंग सर्विस जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा एवरग्रीन पैसे कमा सकते हैं। मतलब कि सीएससी आईडी मिलने के बाद अगर ये 3 सर्विस करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका कुछ सीजन आए, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको हमेशा मिलता रहेगा पैसा हर समय, हर टाइम, हर दिन। तो सीएससी में सबसे टॉप में जो सर्विस है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सकता है वो है पीएमजी दिशा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पीएमजी दिशा एक ऐसा सर्विस है जिसका यूज करके आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको लगता नहीं कि इसमें ज़्यादा पैसा कमाई होगा, लेकिन मैं अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो पीएमजी दिशा में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर टारगेट बेस में काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आप पीएमजी दिशा में कस्टमर जो स्टूडेंट आएंगे उनको जो एनरोलमेंट करना होता है, एडमिशन करना हो, उसके बाद उनका पास आउट करना होता है, उसके बाद पर जो है स्टूडेंट आपको 300 से 500 रुपया मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर दिन में टारगेट बिठा कर रखेंगे कि जैसे कि मेरे को आज 5 स्टूडेंट को एनरोलमेंट जैसे करके करना है, मतलब कि आपका हर महीने हो जाएगा 150 स्टूडेंट, लेकिन 150 स्टूडेंट का एडमिशन होने के बाद उनका पढ़ाई, उसके बाद पास आउट अगर किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। पीएमजी दिशा में हर स्टूडेंट का 300 से 500 रुपये तक का आपको कमीशन मिलता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा इनकम होता है। तो सीएससी पोर्टल में अगर आप यहाँ पर पीएमजी दिशा सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा सर्विस में क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के पास कंप्यूटर सेटअप नहीं होता बोल के वो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना ट्रेनिंग सेंटर एक छोटा सा भी जिसमें से 2-4 कंप्यूटर भी अगर आप वहाँ पर रख देंगे कम प्राइस का भी, तब भी आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाई होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हर स्टूडेंट का पास आउट होने पर 300 से लेकर 500 रुपये तक का जो कि चेंज होता रहता है ये कमीशन आपको मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ा कमीशन है मेरे हिसाब से। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टारगेट लेकर काम करेंगे तो हर कोई काम सक्सेस हो सकता है। अगर आप दिन में ठान लेंगे कि हाँ मेरे को आज, जैसे कि आज मेरे को 3 स्टूडेंट का एनरोलमेंट करना है, जिससे करके भी जहाँ पर भी आपको जाके भी 3 स्टूडेंट ला के आपको एडमिशन कराना होगा, तभी तो आपको 1000 रुपये मिल पाएगा डेली, नहीं तो कैसे मिल पाएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग हटके लगाना होगा। तो पीएमजी दिशा सर्विस को लेने के लिए आपको सीएससी पोर्टल में पीएमजी दिशा लेकर इस वाले पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको ये फॉर्म को फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डालना है, तहसील डालना है, पंचायत डालना है, आपका विलेज डालना है। इसके बाद डेमोग्राफिक टाइप में आप जहाँ पर चलाते हैं सीएससी सेंटर वो कौन सा एरिया है, अर्बन है, सेमी अर्बन है या फिर रूरल है। अगर गाँवली एरिया है तो रूरल है, शहरी है तो अर्बन है, थोड़ा सा कम शहरी है तो सेमी अर्बन। इसके बाद आपका नाम डालेंगे, वेली का नाम, ईमेल आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद पावर बैकअप में आपको यहाँ पर एसी करना है, एड्रेस देना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना है आपके पास डालना है। इसके बाद कनेक्टिविटी में यस डालना है, टाइप ऑफ कनेक्टिविटी में आपके पास क्या है, 3G 4G ब्रॉडबैंड डायल अप डोंगल जो भी है आप यहाँ पर डालेंगे। ट्रेनिंग सेंटर फैकल्टीज डिटेल्स, मतलब कि वहाँ पर कौन पढ़ाएंगे उनका एक नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, उनका कितना क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालेंगे, और आपको यहाँ पर एक एफिडेविट को अपलोड करना पड़ेगा। अब ये एफिडेविट आपको कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पर इस पेज पर देखिए, डाउनलोड एफिडेविट फॉर्म, आप यहां पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इसे प्रिंट आउट कर लेंगे। ये 8 पेज का है, पहला जो पेज है सिर्फ इसे ही आप स्टैम्प पेपर में प्रिंट कीजिएगा, बाकी को आप प्लेन पेपर में करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपना डिटेल्स भरेंगे, आपका नाम, एज वगैरह सब कुछ भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका सीएससी आईडी है, इसके बाद आपका नाम, डिजिग्नेशन मतलब सीएससी वेली, सीएससी आईडी आपका डालेंगे, कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको इस एफिडेविट को नोटरी के पास जाके वेरीफाइड करना पड़ता है, उनका सिग्नेचर करने के बाद ये वैलिड होगा। उसके बाद उस एफिडेविट को आपको स्कैन करना होगा, स्कैन करने के बाद आप इसे अपलोड कीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो आपका जो है ट्रेनिंग सेंटर ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप पीएमजी दिशा का काम आराम से कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप सीएससी में काम कर रहे हैं और पीएमजी दिशा का काम कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि हमको पता चले, और स्टेट का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। अब दूसरे नंबर पर जो सर्विस है उसका नाम है डिजीपे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि डीजीपे इस्तेमाल नहीं करते, डीजीपे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। दूसरे कंपनी के मुकाबले, दूसरे जो है एपीएस कंपनी के मुकाबले डीजीपे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन देता है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर डीजीपे में कुछ कमी है, जैसे कि अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हैं, एटीएम यूज़ करते हैं, माइक्रो एटीएम, कोई भी कस्टमर रहेगा एटीएम से पैसा निकालेगा, तो अगर आप एटीएम से पैसा निकालते निकालते अगर आपका कोई सर्वर इशू होता है तो आपको फिर से लगाना पड़ता है, फिर आपको अटैच करना पड़ता है जो उसका यूएसबी केबल है, आप ओटीजी के द्वारा लगाना पड़ता है, वो थोड़ा सा दिक्कत है मेरे हिसाब से,
क्योंकि आजकल तो सारी कंपनियां माइक्रो एटीएम को आपके कंप्यूटर से ही कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये सर्विस को डीजीपे मेरे हिसाब से लाइट ले लेता है। लेकिन अगर वो पीसी से कनेक्ट करता है माइक्रो एटीएम को, तो काफ़ी ज़्यादा लोग पैसे अच्छे खासे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, माइक्रो एटीएम से लगाना, इसके बाद ट्रांजेक्शन करना, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से लॉग आउट होना, ये बहुत ही दिक्कत है बहुत सारे लोगों का। इसीलिए काफ़ी सारे लोग मोबाइल से यूज नहीं करते, वो माइक्रो एटीएम ही यूज नहीं करते, दूसरी कंपनी का यूज करते हैं। तो इसीलिए सीएससी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। डीजीपे में भले ही मोबाइल से प्रॉब्लम होता है लॉगिन करने में या फिर काम करने में या फिर जो भी आपको ट्रांजेक्शन करने में, लेकिन जब आप पीसी में, लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में लॉगिन करेंगे, तो बस एक बार लॉगिन करने के बाद आप यहां पर अनलिमिटेड डेज, जितने दिन भी अगर आप इसे शॉट डाउन नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जैसे कि आपको यहां पर डीजीपे एप्लीकेशन ओपन करना है, यहां पर आपको अपना आईडी देना है जो कि आपका सीएससी आईडी है। इसके बाद आपको नीचे क्लिक करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर में जाता है जो कि 6 डिजिट का होता है। पिन एंटर करने के बाद आपको अपना फिंगर देना होता है जो कि सीएससी वैली का ही फिंगर लगता है। एक बार आपका फिंगर कैप्चर हो गया, तो अब आप ये जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में लॉगिन होता रहेगा, मतलब कि लॉगिन रहेगा ही जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तब भी। इसके बाद जब आपका जैसे कि ज़रूरत ना पड़े इसे लॉग आउट ना करने की या फिर कंप्यूटर को बंद ना करने की, अगर आप लैपटॉप में चलाते हैं तब भी अगर बंद नहीं करेंगे, तो 10 दिन 15 दिन महीने दो महीने जितना भी दिन अगर आप इसे यूज करेंगे, ये यूज होता रहेगा बिना लॉग आउट हुए। क्योंकि आजकल जो भी SBI का CSP लेता होगा या फिर कोई भी बैंक का CSP अगर आपने लिए हुए हैं, आपको पता ही होगा हर 10 मिनट बाद ये जो है पेज एक्सपायर होता है। इसके बाद जो मैन क्यू होता है, जो कि मैन उसका ऑथराइजेशन जिसके पास होता है, वो उसे लॉगिन करना ही पड़ता है फिंगरप्रिंट या फिर जो भी उनका ऑथराइजेशन मोड होता है। तो हर 10-15 मिनट बाद आपको, अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे या फिर कंप्यूटर को वर्किंग में नहीं लेते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो आपको एक्सपायर हो जाएगा आपका पेज। लेकिन डीजीपे में ये प्लस पॉइंट है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से डीजीपे में अगर ये 3 ऑप्शन ऐड हो जाएगा, तो कोई भी डीजीपे को यूज ना करके नहीं रह सकता। सबसे पहले तो इसका रूरल कमीशन, जैसे कि SBI CSP मिलता है रूरल कमीशन, इसमें भी अगर रूरल कमीशन कुछ भी मिले, जैसे कि 2000 नहीं कम भी मिलेगा, तब भी सीएससी वैली अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा। सेकंड बात है, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की सुविधा नहीं है। अकाउंट ओपनिंग की सुविधा के साथ साथ एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का कमीशन मिलना चाहिए। 3 नंबर में मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन वो काम का नहीं है। अगर आप एक बंदे का मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसका अगर अकाउंट नंबर से मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उसके मोबाइल में OTP जाएगा 10 बार 15 बार, तो वो तो इरिटेट हो जाएगा। इसीलिए हम DGPay में मनी ट्रांसफ़र नहीं करते, और मनी ट्रांसफ़र के हिसाब से DGPay को जो CSC को इसे थोड़ा सा मतलब कि अपडेट करना चाहिए। इतना बार OTP लेने की क्या ज़रूरत है, पहले ऐड करो उसके बाद सेंड करो। मतलब इतना बार OTP आएगा तो वो कस्टमर को शक हो जाएगा कि कहीं ये गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार दो बार तो आ सकता है, लेकिन बार बार OTP क्यों आता है, मतलब बहुत बार उसे OTP देना पड़ता है। इसीलिए इससे जो है अच्छे से सेटअप करना चाहिए DGPay को, तब जाके DGPay अच्छा चले। ये नहीं कि दूसरे कंपनी के हिसाब से DGPay अच्छा नहीं है, अच्छा है, बेशक अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, जिससे मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद इस जो मोबाइल का प्रॉब्लम है लॉगिन का, वो बार बार लॉग आउट होता रहता है, और माइक्रो एटीएम का अगर कंप्यूटर में लगा देगा सिस्टम, तब बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से रहेगा। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और 3 नंबर पर जो सर्विस है उसका नाम है, आपको सुनाई नहीं दिया, उसका नाम है पैन कार्ड। तो अगर आप सीएससी पोर्टल में पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, पैन कार्ड सर्विस, तो इसमें ज़्यादा कमाई हो सकता है, क्योंकि ये एवरग्रीन सर्विस है। ये सर्विस को लेते हैं तो कोई भी मौसम में, कोई भी दिन में, कोई भी महीना में आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन हर लोग 18 साल हो रहा है, उसके बाद उनका पैन कार्ड अप्लाई करना होगा, या फिर आजकल तो 18 साल से कम उम्र वाले के भी पैन कार्ड बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ 106 रुपये ही करता है, लेकिन कस्टमर से तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 300-400 रुपये ले रहे हैं। लेकिन ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कितना देते हैं, क्योंकि सीएससी के हिसाब से तो आपको जो रसीद में निकलेगा उतना ही आपको पैसा लेना चाहिए कस्टमर से। लेकिन इतना लेंगे तो आपका प्रिंटआउट का खर्चा, आपका कंप्यूटर का खर्चा, आपका स्टाफ का खर्चा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आपको अपने हिसाब से लेना है, कस्टमर को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छे से मतलब मेहनत का फल मिले, इस हिसाब से आपको पैसे लेना होता है पैन कार्ड में। तो पैन कार्ड का जो सर्विस है सीएससी में, ये बहुत ही दिनों से चल रहा है, और पैन कार्ड जो है पहले NSDL में चलता था, अभी भी चल रहा है, लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसीलिए बहुत सारे लोग पैन कार्ड UTI में बनाने लगे, और UTI भी ज़बरदस्त चल रहा है। कोई भी कस्टमर का अगर आप UTI के थ्रू भी पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है।
अगर आप सही ढंग से फॉर्म फिल करके अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो UTI में भी पैन कार्ड जल्दी ही बन जाता है। जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कितना रुपया कटता है। जैसे कि यहाँ पर 107 रुपीज़ तो बोल रहा है पैन कार्ड बनने के बाद कटने का। तो यहाँ पर अपना मैं लेजर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर वॉलेट लेजर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो देखिए ये सब कुछ इंश्योरेंस का मैंने अप्लाई किया था तो ये सब कुछ है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर देखिए 97 जो लिखा है ना ये पैन कार्ड है। इसके बाद यहाँ पर जो 97 है ये पैन कार्ड है, मतलब कि 107 का CSC का रेट है। आपको CSC के हिसाब से कस्टमर से 107 चार्ज करना है। इसका जो ऊपर का वो आपको अलग से अगर आपको लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका प्रिंटआउट के ऊपर, प्रिंटआउट भी तो आपका होगा, स्कैन होगा, फ़ोटो आप वहाँ पर लगाएंगे, तो उसका खर्चा समझ के जो भी आपको लेना है कस्टमर से ले सकते हैं। और CSC से आपको यहाँ पर 3 रुपये हो गया और यहाँ पर 7, मतलब 10 रुपये CSC दे रहा है कमीशन आपको। तो पैन कार्ड का सर्विस को अभी तक आपने यूज़ नहीं किए हुए थे, आप बाहर से ही गूगल पे जाके NSDL से ही पैन कार्ड अप्लाई करते थे, तो आपको अभी जो है UTI से ही पैन कार्ड अप्लाई करना है जो कि CSC में ही अटैच है, जिसमें आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है और सपोर्ट भी बढ़िया मिलता है। तो मेरे हिसाब से CSC में ये जो 3 सर्विस है सबसे बेस्ट है और एवरग्रीन है, हर समय चलता है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि इसका कस्टमर ना आए। अगर आपका दुकान अच्छा चल रहा है तो इसका जो कस्टमर है डेली आएंगे। लेकिन अगर आपको CSC में 10 टॉप ईयरनिंग सर्विस के बारे में जानना है तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं CSC टॉप 10 ईयरनिंग सर्विसेज। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।